नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग लगातार सैंपलिंग कर रहा है। इसके चलते रायपुर उपखंड मुख्यालय सहित आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों पर सैंपलिंग ली गई। रायपुर मारवाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर CP चौहान के निर्देशन में बाहर से आए प्रवासियों और रोजाना दैनिक कार्यों के चलते लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों की रैंडम सैंपलिंग करवाई गई। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर CP चौहान ने बताया कि रायपुर में हाल ही में कुछ दिनों पहले बाहर से आए हुए प्रवासियों की रायपुर चिकित्सालय में 32 लोगों की रैंडम सैंपलिंग की गई। डॉक्टर CP चौहान ने व्यापारियों, गैर सरकारी कार्मिकों को इस सैंपलिंग में सम्मिलित किया। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चौहान ने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RP मृदा की अनुमति लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर के अधीन आने वाले ग्रामवासी मुख्य रूप से बाहर से आए प्रवासी लोगों की रैंडम सैंपलिंग करवाई। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर CP चौहान के निर्देशन में वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन ढगलू खान खोकर, लैब टेक्नीशियन मोहम्मद हुसैन और देवराज सिंह ने कोरोना सैंपलिंग की। इस दौरान अन्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर पटेल, डॉक्टर अनुज सिंह, डॉक्टर आकाश मीणा, नौरत राम आदि चिकित्सा कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। सर, जो आज रायपुर CSC में रैंडम सैंपलिंग की गई है उसकी जानकारी। आज CSC रायपुर में COVID-19 काम के क्रम में 32 सैंपल रैंडम सैंपल ले गए हैं, जो कि आज काम के लिए आगे हमारे रिपोर्ट प्राप्त होगी, उस रिपोर्ट के अनुसार आप सब कार्रवाई की जाएगी। सर, इस रैंडम सैंपलिंग में किन किन लोगों को सम्मिलित किए गए हैं? रैंडम सैंपलिंग में हमारे यहाँ जो ओपीडी में संदिग्ध आ रहे हैं उनका, और इसके अलावा सर, जैसे गैर सरकारी या सरकारी कार्मिक को दिया गया है सैंपलिंग। इसके अलावा सरकारी कार्मिक हो गया, सरकारी कार्मिक को स्वैच्छिक कोई भी अगर अपना सैंपल जाँच करवाना चाहता है तो सभी को सैंपल दिया जाए। धन्यवाद।